आज मैं चैप्टर नंबर 8 पढ़ाने जा रहा हूँ। इसमें लिखा हुआ है कि 12:30 बजे हमने खाना खाना है। मुझे तो देखते इसकी ट्रांसलेट जो है वो मेरे जहन में आ गई कि ये क्या बोल रहा है। क्यों? क्योंकि मेरी प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा है। ऐसा नहीं है कि आप ये पढ़ नहीं सकते या आपको आ नहीं सकता। इससे पहले भी मैंने बताया, अभी फिर बता रहा हूँ। हमारे दिमाग में कन्वर्टर होता है, वो उस वक्त तक तेज़ी से काम करता है जितनी हमारी प्रैक्टिस होती है। जब हमारी प्रैक्टिस नहीं होती है तो दिमाग का कन्वर्टर सोचने में लग जाता है, प्रोसेस करने में टाइम लगाता है कि भाई इसको मैंने क्या याद किया था, क्योंकि प्रैक्टिस नहीं हुई होती है। खैर, इस चैप्टर में हम लोग पढ़ने वाले हैं कि भाई हमने 12:30 बजे जो है वो लंच करना है। लंच के दौरान एक बात जहन में रख लें कि ये आप हैं, ये आपका घर का कोई फ़र्द है। ये आप अपने फ़र्द को अपना दोस्त समझ लें, अपने घर का कोई भी बंदा समझ लें, दोस्त समझ लें या घर का कोई फ़र्द समझ लें। मोबाइल हाथ में पकड़ लें, कॉपी पेंसिल हाथ में पकड़ लें और जो जो वर्ड्स आपको डेली रूटीन के हैं वो साथ साथ लिखते जाएं। और लिखने से मसले का हल नहीं होगा जब तक हम प्रैक्टिकल नहीं करेंगे। इससे पहले मैंने कई बार बताया, पता नहीं तुम लोगों को दिमाग खोता दिमाग है कि बस फटाफट वीडियो देख के समझते हो कि हम टेस्ट पास कर लेंगे। ऐसा नहीं होता है भाई। यहाँ पर पेंसिल और कॉपी पकड़नी होती है और वो प्रैक्टिकल करना होता है। इससे पहले मैंने बताया कि भाई मैं लाख बार बोलूँगा, भाई साइकिल होती है, उसके 2 पेडल होते हैं, 2 टायर होते हैं। तुम लोग जो है ना ऊपर हैंडल पकड़ के चलाओगे, वो भागम भाग जाएगी। 2-4-5 किलोमीटर चलाओगे तो थकोगे भी नहीं। अब सुनने में भी अच्छा लग रहा है, और जो सुन रहा बोलेगा शायद मैं चला भी लूँगा, मगर जैसी साइकिल पर बैठेगा तो धर्म करके नीचे गिर जाएगा। ऐसे ही कोरियन है भाई, कोरियन भी ऐसा ही है कि जब हम स्टार्ट लेते हैं तो हमें मतलब वैसे हम लगता है शायद याद हो जाएगी, मगर जब हम प्रैक्टिकल टेस्ट देने लगते हैं या बोलने लगते हैं, बोलने की कोशिश करने लगते हैं तो हमें याद नहीं रहता। क्यों? क्योंकि हमारा प्रैक्टिकल नहीं होता है। इसलिए कुछ लफ्ज ऐसे जो डेली रूटीन के हैं आप अपने पास लिख लिया करो। लिखने से ये है कि फिर इस्तेमाल करने की कोशिश किया करो। घर वाले बोलें ये पागल हो गया है, ये मैं अभी पानी को मूल क्यों बोल रहा है, बोलो भाई मैं ये मूल ही पीना है। मूल याद हो जाएगा, मूल तो याद हो जाएगा, एक लफ्ज़ ही याद हो जाएगा भाई। टेस्ट में एक लफ्ज़ जो है ना वही आपका साथ देता है, ये बात याद रखिएगा। बहुत से दोस्त एक नंबर से फेल हो जाते हैं, फिर सारी ज़िंदगी याद कर सोचते हैं यार काश मैं उस वक्त एक लफ्ज़ याद कर लेता ना, पता नहीं मैंने क्या अफलातून बन जाना था, क्या 30 माल खान बन जाना था। और मेरे भाई अभी टाइम है, अभी सब कुछ है, करो ना याद, अभी क्यों नहीं कर रहे हो। खैर, मैं फ्रेंडली होकर पढ़ाऊंगा, दोस्त बन के पढ़ाऊंगा। पढ़ना है पढ़ो, नहीं पढ़ना है तो आराम से कौन सा कोचिंग सेंटर जाओ, वहाँ 50,000 रुपये फीस जमा करवाओ। फीस जमा करवा के वहाँ पे पेंसिल कॉपी का रट्टा लगवाओ, रट्टा लगा के फिर घर आके याद करते थे, पता नहीं मैंने आ भी याद किया था, ओ भी याद किया था, ये आ कौन सा है, ओ कौन सा है, समझ में नहीं आ रहा है। सब मिलते जुलते लफ्ज़ हैं यार। अब फिर सर से पूछोगे, सर वहाँ होगा नहीं, फ़ोन करोगे सर फ़ोन नहीं उठाएगा, 50,000 भी गया, टाइम भी गया, सब कुछ गया। ये सब स्टोरी इसलिए बता रहा हूँ ताकि आप लोग मोटिवेट हो जाए। ये पूरी किताब भी पढ़ानी है, मगर ये है कि आहिस्ता आहिस्ता पढ़ानी है। ऐसा नहीं है कि मैंने एक दिन में तुम लोगों को हिफ्ज करवा देनी है। 7 चैप्टर मैंने करवाए, मेरे ख्याल में 2 महीने तो हो ही गए होंगे। इसी तरह ये 1-2 महीने में पढ़ाऊँगा ताकि आप लोग आहिस्ता आहिस्ता, एक बार याद रखिएगा। ये भी अगर आप एक बार सारी वीडियोज़ देखेंगे पागल हो जाएंगे, पजल हो जाएंगे, बोलेंगे भाई मैंने क्या याद किया है, ये मैं भूल गया हूँ, ये याद किया तो वो भूल गया हूँ। अभी बहुत से दोस्त ये पिछला भूल गए होंगे ये वाला सारा। क्यों? क्योंकि वो मुसलसल देखे जा रहे हैं, प्रैक्टिकल नहीं कर रहे, कॉपी पेंसिल पे नहीं लिख रहे, घर पे बात करके नहीं बोल रहे कि ये अभी मैंने पीछे पढ़ाया होगा। फॉर एग्जाम्पल ये पढ़ाया होगा मन्ना सो के मुलाकात करना है, तो क्या होगा कि अभी किसी को याद होगा किसी को नहीं। किसी को याद उसको नहीं होगा जो प्रैक्टिकल इसने नहीं किया होगा, जिसने किया होगा उसको याद होगा। मैंने जो कोरियन सीखी है इन किताबों से बिल्कुल नहीं सीखी है, मैंने प्रैक्टिकल करके सीखी है। प्रैक्टिकल कैसे करता था, कॉपी पेंसिल मेरे पास होती थी, मैं फटाफट भाई लिखना शुरू कर देता था कि मुझे उसने बोला क्या है। तुम लोग भी ऐसा करो कि फटाफट जो है ना कॉपी पेंसिल निकाल लो। अब ये देखो लिखा हुआ है कि योलदूषी शमशुबुन चमशुबिल मोगोयो के योलदूषी 12:30 शमशुबुन बुन जो है वो मिनट है, हेल्पिंग वर्ब है चिबे और चुमशिमुल मुल उल जो है वो हेल्पिंग वर्ब है मोगोयो खाएंगे, हम लोग 12:30 बजे खाना खाएंगे। ये जो बताया होता है कि हम लोग इस चैप्टर में क्या क्या पढ़ेंगे, क्या क्या पढ़ेंगे भाई, इल्गवा शिगान मुक्को थेता भागी, मतलब के क्वेश्चन आंसर करेंगे एक दूसरे के डेली रूटीन के बारे में। उसके बाद में आया ओया एया ओया मोया खोया ये सब पढ़ेंगे, मगर इसकी टेंशन नहीं लेनी है। ओया खोया मोया, खोया खाने को दिल चाहे जाओ जाके कुल्फ़ी वाली दुकान पर खोए वाली कुल्फ़ी खा के आओ। खैर, उसके बाद आ जाओ भाई, ये लिखा हुआ है इल्गवा, हम लोग डेली रूटीन के बारे में पढ़ेंगे। शिगान, शिगान कहते हैं वक्त को, वक्त के बारे में पढ़ेंगे। इसके अलावा छुलगुन शिगान शिवम शिदा, मतलब अपना वक्त जो है काम का दौरान जो है स्टार्ट लेना है तो किस वक्त लेना है।
जहाँ जिसको ये समझ में नहीं आ रही इंग्लिश समझ में आ जाए, इंग्लिश समझ में नहीं आ रही उर्दू साइड पे लिखता दे, अपनी कॉपी पे लिखता दे, उसकी इसके पास किताब नहीं है, किताब है तो आराम से कौन सा इसके ऊपर ही लिख ले, कोई मसला नहीं है। बार बार बोल रहा हूँ, प्रैक्टिस आपको परफेक्ट बनाएगी। मेरा लेक्चर मेरी मोटिवेशन उस वक्त तक है जब तक वीडियो देख रहे, जैसे वीडियो बंद की आप बोलोगे भाई छोड़ो यार ये बहुत मुश्किल है। एक और बात बता दूँ कि बहुत से दोस्त जो है ना कॉपी पेंसिल हाथ में होता है समझते हैं भाई हम कोरिया पहुँच गए, तो मेरे भाई जब तक आप मेहनत नहीं करोगे कोरिया नहीं पहुँच सकते, और डॉलर कमाओगे आप चाहे कितने भी बेवकूफ़ हो आपको लोग समझदार समझेंगे, और अगर आपके पास पैसा नहीं है चाहे जितने मर्जी समझदार हो आपको लोग बेवकूफ़ समझेंगे। ये आप इसकी बात है क्योंकि मेरे साथ प्रैक्टिकल हो चुका है, मैं इंतहाई बेवकूफ़ था फिर समझदार हुआ, फिर समझदार होने के बाद फिर बेवकूफ़ हो गया, ये पैसे की गेम है। खैर ये क्या कहानी क्या चल रही है, पहले तस्वीर देख लो। एक बंदा है भाई वो आराम सुकून से सोफे पे नहीं बल्कि बेड पे बैठा हुआ, पीछे तस्वीरें लगी हुई हैं, फ़ोन पे भी लगा हुआ है, रिमोट पे भी लगा हुआ है, जो आगे हर घर की कहानी है हमारे घर की भी कहानी है भाई, न्यूज़ चैनल लगा लेते हैं, कार्टून्स लगा लेते हैं बच्चे, अब्बा जी ने भाई ने भाई मोबाइल भी पकड़ा हुआ, हाँ भाई क्या हाल है ठीक हूँ, हाँ भाई ठीक हूँ, साथ चैनल भी बदल रहा है, एक दिमाग यहाँ पे उससे भी बात सही नहीं हो रही, इससे भी बात सही नहीं हो रही है, और उससे बड़ी बात घर पे घर का कोई फर्ज जो है वो खाना वाना बना रहा है, उसको भी बोला हाँ नमक डाल लिया, हाँ आज क्या पकाया, वो क्या पकाया, ये क्या करना है, वो क्या करना है, उसके साथ भी लगा होता है, वो भी फ़ोन पे लगी होती है, हाँ हाँ मस्जिद दो बार डल गई, ओहो बाद में जो है लड़ाई झगड़े, फ्राई पैन इसने रखा हुआ है ताकि अगर हमला हो तो जो है ना अपना वो सेव कर सके। खैर ये गपशप चल रही है ताकि अगर मैं आपको एक कोदिन जबान में बोलना शुरू कर दूंगा आपको समझ में नहीं आएगी, वीडियो बंद कर दोगे कि पता नहीं क्या है, इस साल में हैंडफोन हिस्सा है, रिमोट कौन तो हिस्सा है, टेलीविजन अपे हंजा सो टेलीविजन बाया तो हैंडफोन तो हैंडफोन छूना तो हागो थी साजिन हिस्सा हो, मतलब अब मैं कोरियन जबान में बोलता दूंगा तो क्या बोल रहा, कड़बड़ 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 क्या बोल रहा है। उर्दू इसलिए ज़्यादा बोलता हूँ ताकि आप लोगों को समझ में आए, और कोरियन इसलिए कम बोलता हूँ जो एक लफ्ज़ बोलूँ तो वो आपके दिमाग में घुस जाए। ठीक है अब आ जाओ भाई यहाँ पर, ये लिखा हुआ है सुदू, सुदू जो है वो नाम है, इसका मीनिंग कोई नहीं है। लिखा हुआ है तुआनशी चिगम मोहयो, ये तुआनशी जो है वो एक बंदे का नाम है, उससे वो चिगम कहते हैं अभी, मोहयो क्या कर रहा है, इससे पहले मैंने वोकैबुलरी में याद करवाया है नहीं तो अपनी कॉपी पेंसिल में लिख लो, चिगम मोहयो, शी जो है वो रिस्पेक्ट के लिए लगता है, तो इसलिए यहाँ पर क्या हुआ है कि चिगम मोहयो कि अभी क्या कर रहे हो, चिगम मोहयो अभी क्या कर रहे हो, ये हमारा डेली रूटीन का वर्ड है या जुमला है। आप किसी से भी मतलब फ़ोन पे बात करते हैं तो क्या बोलते हैं, अभी क्या कर रहे हो, क्या हाल है उसके बाद, हाँ भाई क्या कर रहा है, हाँ मैं अपना मोबाइल पे और टीवी पे न्यूज़ देख रहा हूँ भाई, यहाँ पे ये हो गया वो हो गया, वो आगे जाके बोलते पहले तो ये बोलते हैं ना भाई चिगम क्या दिमाग ख़राब हो गया, चिगम मोहयो अभी क्या कर रहे हो, टेलीविजन वायो, मतलब ये है कि सुदू ये है लड़की है, तुहान ये बंदा है, इसने इससे पूछा चिगम मोहयो क्या कर रहे हो, तुहान ने जवाब दिया टेलीविजन वायो, टेलीविजन को टेलीविजन कहते हैं, उल यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब है, वायो कहते हैं देखना या देख रहा हूँ, टेलीविजन वायो मैं टेलीविजन देख रहा हूँ, सुदू शिनन मोहयो इसी ने तुहान ने दोबारा शुरू से पूछा, हाँ मैं तो टेलीविज़न देख रहा हूँ, तू बता तूने अंडे पकाए आलू पकाया गाजर पकाया, खैर वो आगे जाके पता चल जाएगा क्या पकाया, मर्सी भी तेज़ आएगी हो सकता है। खैर सुदूशी ने मोहयो, सुदूशी क्या कह दिए भाई, क्या कह दिए, फ़ोन कर दिए, हाँ अच्छा हांडी भी हिला दिए, हाँ हिला दिए। खैर सुदू छोनन चिगम यूरी है यो, छोनन कहते हैं मैं मुझे मेरा, छो अपने बारे में बात कर दिए, चिगम अभी यूरी है यो, मैं अभी खाना पका रही हूँ, अब समझ में आ गया, मैंने देखते ही बोल दिया था ये फ़ोन पे इससे बात कर रही है, ये टेलीविज़न देख रहा है, ये हांडी पका रही है, ये कोई इतनी बड़ी साइंस तो नहीं है मगर तस्वीर से समझ इसलिए आ गया। अब मज़ा ये है कि मैं इसको ना देखूं, इसको पढूं और मेरे जहन में स्टोरी घूमे कि इन दोनों के बीच में बात क्या हो रही है, फिर आती है समझ। तो इसलिए कॉपी पेंसिल में आज आपने ये याद कर लेना कि चिगम मोहयो हर एक पास आते जाते बोलो अस्सलाम वालेकुम चिगम मोहयो। हो सकता है कोई बंदा चपेड़ा वपेड़ा भी धर दे, वो चिगम जो है ना वो चिंगम याद आ गया, चिंगम भी साथ साथ खाते देना ताकि चिगम याद हो जाए, चिगम मोहयो। तो अपने आप को बोलो मैं टेलीविजन बायो, हैंडफोन छूना है यो, और खोलो खाओ, मगर खैर इस ज़्यादा लफ्ज़ में बोलता रहूँगा, पैदल चल रहा हूँ आ रहा हूँ खाना खा रहा हूँ ये वो तो आपको याद नहीं होंगे।
आप आसान आसान लफ्ज याद कर लो, टेलीविजन बाय हो या फिर आप याद कर लो हंजा हंजा है हो, या बोल लो भाई खोदो खाए हो, या उंदो है हो, या बोल दे उंदो है हो कहते हैं। जैसे ये आगे जाके मैं आपको बताऊंगा, आगे जाके होगी मैं आपको बता देता हूँ। ये देखें यहाँ पे ये जो जो एक्टिविटीज दिन में चल रही होती है लोगों की, उठना है, सोना है, हाथ मुँह धोना है, उठना है, काम पे जाना है, आना है, दोपहर का खाना खाना है, काम करना है, काम से वापस आना है, हांडी पकानी है, जो डेली रूटीन वाली खाना है, पीना है, सोना है, और सुबह उठ के फिर दोबारा काम पे जाना है, वही टगों वाला काम है जो पाकिस्तान में हम लोग करते हैं। सुबह उठते हैं, उठ के शाम तक हम सो जाते हैं, सो के फिर सुबह उठते हैं, और फिर सारा दिन वही रूटीन चलती है। ये भाई मैं आपको पहले बता दूँ, बेस्ट तो बिजनेस ही है, कारोबार ही है, जो कि अपनी लाइफ को अपनी मर्जी से बंदा थोड़ा सा गुजार सकता है, वो भी थोड़ा सा ज़्यादा नहीं, कस्टमर के कहने पे चलना पड़ता है। मगर जो आम बंदा काम करता है, नौकरी करता है, जैसे कि मैं करके आया हूँ, नौकरी को बुरा नहीं बोल रहा हूँ, मैं ये कह रहा हूँ कि उसमें यही डेली रूटीन चल रही होती है, उठो खाओ पियो सो जाओ, काम करो सो जाओ, काम करो खाया पिया काम किया सो गया, खाया पिया सो गया। ये इसको मैं आसान लफ्जों में बोलूँ तो टगा कह सकता हूँ, खोता कह सकता हूँ, गधा कह सकता हूँ, बैल कह सकता हूँ, बधा हुआ किसी कोल्हू का बैल कह सकता हूँ, कुएं का मेंढक कह सकता हूँ, क्योंकि वो एक सर्कल में रह लेता है। तो एक सर्कल में रहने वाले बंदे का यही रूटीन होती है, और ये हमें आ गई तो समझ लें हमें एक दूसरे से बात करना आ जाएगी। ये हम फिलहाल कोरियन सीख रहे हैं, आपको ना मैं बुरा बोल रहा हूँ ना मैं अपने आप को बुरा बोल रहा हूँ। खैर ये आगे डेली रूटीन है, आपने आज से ये याद कर लेना है, तुहान शी चिगु मोहे हो, आप तुहान की जगह आप कुछ भी लगा सकते हो, कमर शी लिख सकते हो, कमर जिसको नहीं लिखना आता देर लें इस तरह लिख लें, यहाँ पे लिख के बता देता हूँ, वहाँ पे पहले ही काफ़ी कचरा मचरा किया हुआ है, यहाँ समझ में नहीं आया क्या कहानी है। कमर कमर लिख लिया, अगर फॉर एग्जांपल आपने कमर की जगह वहाँ पे अभी कोई अली नाम का लड़का देख रहा है तो आरी अली लिखा गया, ये रियल मेरे स्टाइल में कोरियन स्टाइल में, क्योंकि मुझे आती है आप लोग ऐसा टीचा मीचा नहीं मारना, हो सकता है सर बोले भाई तू क्या यहाँ पे डिज़ाइन ब्रैकेटें बना रहा है, ये असल में रियल इस तरह लिखा जाता है, ये तीन ऐसे करके ऐसे आ ली ठीक है ना, ये अली बन जाता है। मगर क्या है कि अपना स्टाइल कोरियन स्टाइल हो गया था, तुम लोगों का भी हो जाएगा, पहले कोरिया चले जाओ फिर उसके बाद बना लेना मेरे भाई। अब ये क्या कहानी चल रही है, तुहान शी चिगम मोहे हो, तुहान शी चिगम मोहे हो, कमर शी चिगम मोहे हो, चिगम अभी मैं क्या कह रहा हूँ, अभी कोई मुझसे पूछे कमर शी चिगम मोहे हो, मैं बोलूँ हंगुमल खुम्बू है हो, मैं हंगुमल कोरियन जबान सीख रहा हूँ, हंगुमल सिखा रहा हूँ, मतलब के फेगो शिपो है हो, मैं सीख रहा हूँ हैं, इस तरह का मतलब के हम लोग इस तरीके से जवाब दे सकते हैं। वो अब जब कोई सवाल पूछेगा आप लोगों से, आपको जवाब देना होगा, जवाब देना होगा तो फिर कोरियन समझ में नहीं आएगी क्या जवाब दूँ, फिर आप सर्च करोगे गूगल में, सर्च कर लो भाई, मोबाइल हर एक बंदे के पास है, गूगल में सर्च कर लो कि मैं क्या कर रहा हूँ, मैं सो रहा हूँ, मैं खा रहा हूँ, मैं पी रहा हूँ, मैं हग रहा हूँ, मैं मूत रहा हूँ, मैं पानी पी रहा हूँ, मैं जा रहा हूँ, मैं आ रहा हूँ, मैं डेट मार रहा हूँ, मैं क्या कर रहा हूँ, कुछ भाई कुछ ना कुछ तो कर ही रहे होगे ना, जो भी कर रहे हो आपने वो कोरियन याद कर लेनी है, जो याद कर ली तो बस सही है, वाजिंग शील याद हो गया, वॉशरूम जा रहा हूँ, ओलगुल शीशो हाथ मुँह धो रहा हूँ, अब जो भी आप मतलब कह रहे हो तो वो लफ्ज़ याद होगा ही होगा, इसलिए पहले आपके जहन में सवाल आएगा, नहीं तो सवाल पूछेगा कोई तो जवाब आप देंगे तो कोरियन जबान आ जाएगी। तो रिपीट आपने फिर दोबारा उससे सवाल पूछना है, जब सवाल एक जहन में आता है तो 10 जवाब भी आते हैं, 10 जवाब उस सूरत में आते हैं जब झूठ बोलना हो, जब सच बोलना हो तो एक ही जवाब आता है, ये भी मैं आपको पते की बात बता दूं, इसलिए हमेशा सच बोलो कामयाब होना है। तो खैर आपने अगला सवाल मतलब कोई आपसे पूछे चिगम मोहे हो, भाई मैं चिगम हंगुमल खुम्बू कर रहा हूँ, भाई कोरियन जबान सीख रहा हूँ, और आप उससे पूछ लो हाँ भाई तू क्या कर रहा है, सुरु शीन मतलब कि आप उससे पूछ लो हाँ भाई नुमान शीन मोहे हो, या उमर शी मोहे हो, आमिर शी मोहे हो, अली शी मोहे हो, हमजा शी मोहे हो, मतलब कोई भी नाम लगा सकते हो हैं। अब ज़रूरी नहीं है लड़की का नाम आए, अब सबके जहन में लड़की का नाम नहीं घूमना चाहिए, मैं बता दूँ हैं क्योंकि पाकिस्तानी है, यहाँ पे कोई भी किसी मतलब कहानी कहीं चल रही है, लड़की दिमाग में लड़की घूम रही है। खैर सुरुशी ने मोहे हो, सुरुशी क्या कह रही है, देखो ना क्या कह रही है, बस क्या करे बंदा यार, लड़की का नाम आया इसलिए वो क्या कह रही है, आप यहाँ पे कुछ भी लगा सकते हैं, वो आपकी मर्जी है, जाहिर है वो भी जवाब देगा या देगी, छोनुन चिकुम यूरी है, मैं भी फ़ोन कर रही हूँ, मैं फ्राई पैन तैयार कर रही हूँ तेरे को सीधा करने के लिए, ये बोल सकती है मैं फ्रिज में से क्या निकाल रही हूँ, निंजंगो याद हो जाएगा, यूरी याद हो जाएगा, उयू याद हो जाएगा, शेख संग याद हो जाएगा, फ्राई पैन याद हो जाएगा, मतलब कि इस तरह के कितने लफ्ज़ याद हो जाएंगे, जो भी वो कर रहा होगा या कर रही होगी तो आपको याद हो जाएंगे, लिहाजा टेंशन लेने का नहीं है, टेंशन देने का है, कोई पूछे क्या कर रहे हो आप उससे पूछ लो,
आधा सौ चिकन नोहे मोहे हो कि हाँ हाँ ठीक है तुम क्या कर रही हो। हाँ आधा सौ कुछ भी नहीं आए बोलो हाँ आधा सौ बस ठीक है तुम इसको छोड़ो नौ मोहे हो नौ कहते हैं आप क्या कर रहे हो तो आप क्या कर रहे हो उल्टा उसके ऊपर सवाल रख दिया खुद ही वो जवाब देगी वो अपने दिमाग में सेव कर लेना दिमाग में सेव हो जाएगा आज नहीं तो कल दो तीन बार रिपीट होगा तो ये भी याद हो जाएगा ये मैं आपको याद करने के नुस्खे बता रहा हूँ। उसके बाद भाई मैं आ जाऊँ यहाँ पे ये जो है ना आप ये डेली रूटीन के हिलगुआ कहते हैं डेली रूटीन के बारे में ये क्या क्या कहता है वो मैं बता देता हूँ। लिखा हुआ है ईदो नादा कहते हैं उठने को वो से देख लो जो सुबह उठता नहीं है उठता है तो भाई आज ना अच्छे में ईदो ना एक बात और याद रखिएगा ये जो दा लगा हुआ है जगह दा 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 हर जगह दा दा ये जो दादा नहीं है ये असल में ये दा लिखते हैं जैसे कि मैं बोलूँ उठना धोना ये क्या कहते हैं नाश्ता करना जहाँ पे ना ना जो है ना जैसे हम लोग उठना धोना खाना पीना रहना सोना जाना आना ये ना की वजह से यहाँ पे दा लगा हुआ है इसलिए असल में जब जुमला पूरा होगा तो यहाँ पर ईदो ना ही लगेगा ईदो ना दा नहीं कोई भी बोलता है ईदो ना आयो यहाँ पे यो लग जाता है रिस्पेक्ट के लिए समझ में आई इसलिए आप ये दादा को याद नहीं करना ये दा को दिमाग में नहीं बिठाना पता चले क्वेश्चन आ जाए आपको वहाँ पे बोलो यहाँ पे दा नहीं लगा हुआ यार दा नहीं लगा हुआ मैं क्या करूँ। मैं आपको एक मज़े की बात बता देता हूँ मैं असल में एक पढ़ता था उस वक्त मैं असल में चौथी क्लास में पाँचवीं क्लास में पढ़ता था मुझे एक सर थे सर सगीर साहब उसने मुझे बोल दिया कि भाई वो क्या कहते थे ब्लैक बोर्ड पर नहीं लिखते थे वो वैसे ही बोलते मैं बोले जा रहा हूँ तुम लिखते जाओ मैंने बोला ठीक है भाई मैं नहीं मेरी क्लास में सबके सबको बोलता था मैं लिखते जाओ। आपको पता है जब हम इंग्लिश ग्रामर सीखते हैं तो वहाँ पे इन्वर्टेड कॉमास जो है वो आते हैं जब जब सेंटेंस बना रहे होते हैं वो इन्वर्टेड कॉमास ओपन और इन्वर्टेड क्लोज इस तरह तो वो हमें इंग्लिश ग्रामर सिखा रहा है वो शुरू में होता है ना ही सेड टू मी इन्वर्टेड कॉमा ओपन तो वो इन्वर्टेड कॉमा ओपन मैंने करना था मैंने ये कॉमा ओपन करने के बजाय मैंने लिख दिया इन्वर्टेड कॉमा ओपन अच्छा उसने पूरा अगला जुमला बोला है ही सेड टू मी यू आर गोइंग टू स्कूल मतलब जो भी वो जो होता है रास्त तो बताए रास्त वाले जुमले तो मैंने क्या कह दिया फिर उसने सर ने बोला इनवाइटेड कॉमन क्लोज मैंने लिख दिया इनवाइटेड कॉमा क्लोज सर के पास दिखाने गया बोला खोते के खुद लकीर का फकीर है इन्वाइटेड कॉमा ओपन का मतलब है कि कोमे खोल लो कोमे बंद कर दो तुम लोग ने तूने पूरा ही लिख दिया पूरी क्लास ने इतनी हंसी मैं तुम्हें क्या बताऊँ क्योंकि इतनी अकल थी नहीं इतनी इंग्लिश आती नहीं थी लिहाजा जिसने जो सुनाया लकीर के फकीर बन गए ये ना हो क्लास में तुम्हारे पास दा दा नहीं लिखा तो बोलो यार मैंने तो दा याद किया था ये यहाँ पे दा ही नहीं है तो मैं इसका मतलब काटा कर देता हूँ ये कोई बड़ी बात नहीं होती है कि कोई जहीन है मुझे कॉमन सेंस है भाई मुझे पता चल जाएगा मुझे इसको पता नहीं चला मुझे पता चल जाएगा दिमाग काम नहीं करता भाई बड़ी बहुत ज़्यादा बंदा दिमाग का दही बनी होती है क्यों क्योंकि पता ये होता है कि भाई दो तीन महीने से मेहनत कर रहा हूँ फेल हो गया तो अब्बा ने बोलना है बेटा मुझे पहली पता तो लड़ाई के तूने पास होना ही नहीं तू वैसे ही जहन में ये घूम रहा होता है गए टेस्ट देने मेरी बात सुनो टेस्ट देने जाओ अब्बा को पहले बोलो भाई मैं फेल हूँ मेरी मुझे टेंशन नहीं दो कि मैं पास हो जाऊँगा मैंने कोरिया चले जाना है मैं फेल हूँ पास हूँ ये तो मैं मज़े करने के लिए इन्जॉय करने के लिए ऐसे ही जैसे क्रिकेट खेलने के लिए मैं क्रिकेट खेलता हूँ भाई ठीक है हाथ भी जाता हूँ विकेट में कभी छक्का भी लग जाता है आउट भी हो जाता है बस यही गेम है सारी तो फिर अब्बा भी टेंशन नहीं लेगा तुम भी टेंशन नहीं लोगे टेस्ट भी अच्छा हो जाएगा पास भी हो जाएगा कोरिया भी चले जाओगे। खैर लिखा हुआ है ईदो नादा सुबह उठना उसके बाद लिखा हुआ है शिस्ता कहते हैं इसमें थियत और सियत और थियत साथ आ जाए तो सियत साइलेंट हो जाता है तो इसको कहते हैं शीशो असल में इसको शीशो पढ़ते हैं अभी ये थियत आ गए तो शिस्ता पढ़ेंगे शीशो कहते हैं मुँह धोना अचिमुल मुक्ता कहते हैं सुबह का नाश्ता ये सुबह 7 AM लिखा है PM नहीं लिखा है इसको भी PM को पता चले PM पढ़ने लग जाओ यार बड़ा दिमाग मैंने पता है इन्वाइटेड कॉमर्स वाली कहानी हो जाती है तस्वीर को भी हमने लाजमी देखना है तस्वीर के बैकग्राउंड को देखना है क्या कहानी चल रही उस हिसाब से हमने सवाल जवाब करने उसके बाद लिखा हुआ है हिस्सा एक हादा के वो कंपनी जा रहा है ये घर है घर से कंपनी की तरफ जा रहा है आगे जाके आपसे तो सवाल जवाब होंगे फिर पता चलेगा आप तस्वीर देख के सिलेक्ट कर सकते हो कि नहीं। फिर लिखा हुआ है इन हाथा कहते हैं
काम करने वाले को देख रहे हैं आप। इल कहते हैं काम, हा कहते हैं करना, इल करना काम करना, दा जो है यहाँ पर काम करना लिखा हुआ है, काम करना। ये आपने मशीन के सामने टोपी हेड वगैरह लगा के यूनिफॉर्म पहन के कह रहा है। एक बात बता दूं, कोरिया में ग्लव्स और कैप यूनिफॉर्म पहन के मशीन के पास जाना होता है, 10 से 15 मिनट पहले जाना होता है। ऐसा नहीं है पाकिस्तान में 15 मिनट लेट पहुँच रहे और जो है ना, हाँ ठीक है मैं पहले चाय पी लूँ फिर काम करता हूँ। पाकिस्तान में यहाँ पर घर पर किसी मैकेनिक को बुलाओ, किसी अपने वहाँ पे गोदाम पे किसी मैकेनिक को बुलाओ, पहले आएगा एक घंटा लेट, उसके बाद बोलेगा चाय पी लूँ फिर चला जाएगा, फिर बोलेगा मैं कल आऊँगा यार मैं सामान नहीं ले गया। कोरिया में ऐसा कोई सीन नहीं है, सब सामान ले जाके हैट वेट पहन के शूज़ वूज शंगप कहते हैं दस्ताने को पहन के 15 मिनट पहले पहुँचो काम शुरू करो। ये कोरिया के बड़े सख्त कानून है, वो जाओगे पता चल जाएगा। खैर लिखा हुआ है शीदा, शीदा कहता है रेस्ट कर रहा है, मज़ा कर रहा है भाई, ठीक है तू कर मज़े यहाँ पे, अभी रेस्ट कर रहा, आगे जाके देख क्या क्या करेगा। जैसे असल में कोरिया की ये रूटीन होती है, सुबह जैसे हम लोग 7-8 बजे जॉब पे जाते हैं, 8 बजे 2 घंटे के बाद रेस्ट टाइम मिलता है चाय पीने के लिए। तो इसलिए वो है शीदा, कोई आपसे पूछे क्या कह रहा है भाई काम कर लिया, अभी मैं शीदा कर रहा हूँ भाई, शी है मतलब कि मैं अभी रेस्ट कर रहा हूँ। उसके बाद बोल रहे हैं चुमशिमुल मुक्ता, चुमशिम जैसे कि मैंने बताया दोपहर के खाने को कहते हैं, ऊपर टाइम भी लिखा 1:15। कोरिया में 12 बजे से 1 बजे तक दोपहर का खाना खाते हैं लोग, इसलिए चुमशिमुल मुक्ता दोपहर का खाना खा रहा हूँ। चीवे ओदा भाई, काम भी कर लिया, दोपहर का खाना भी खा लिया, दोबारा इलाहादा किया होगा और अभी ये दोबारा अपना टाई शाई पहन के यहाँ पे देख रहे उसके कपड़े, यहाँ पे भाई काम करने का ड्रेस है, यहाँ पे देख रहे इसके कपड़े, घर पे जाने के ड्रेस है। कोरियन जब घर से आ रहा जा रहा होगा ऐसा लगेगा पता नहीं कंपनी का मालिक है, और जब काम कर रहा होगा कंपनी का मालिक ही होगा ऐसा लगेगा यार इसका हाल हमसे भी बुरा है। तो आप इसी से जज कर लें, आगे जाके कोरिया जाके पता जाएगा लग तो। खैर ये लिखा हुआ है कि भाई मैं अभी वापस कंपनी से घर जा रहा हूँ। फिर लिखा हुआ है छांगुल बोदा कहते हैं कि हम जो है ना जाते वापसी में, हाँ टमाटर ले आना, कद्दू ले आना, बैंगन ले आना, पता नहीं शलजम ले आना, पता नहीं क्या ऑर्डर मिलते हैं ना, जिसको नहीं मिलते अभी शादी कर लो मिल जाएंगे भाई, बच्चे के लिए पेम्पर ले आना, वो लेना, वही ग्रोसरी वो कर दिए। छांगुल बोदा कि मैं अभी यहाँ से ग्रोसरी कर रहा वापसी में ड्यूटी के बाद। फिर लिखा है यूदी आदा, घर आओ, घर आके खाना पकाओ। एक और मजे की बात बताऊँ, लड़का आएगा, लड़का अपना यूदी करेगा, लड़की आएगी वो अपना यूदी करेगी, मतलब अपना अपना खाना बनाएंगे खाएंगे। हाँ अगर दोनों का टाइम सेम है तो एक हांडी पकाएगा दूसरा उसके बर्तन धोएगा, या तू चाहे वो मियाँ बीवी है, चाहे वो फ्रेंड है, चाहे वो क्लास रूम है, चाहे वो क्लासमेट है, चाहे वो रूम मेट है, काम आधो आध करेंगे भाई। ऐसा कोई सीन नहीं है कोरिया की तरह, पाकिस्तान की तरह घर पे पानी लिया, चाय लिया, रोटी लिया, ऑर्डर पे ऑर्डर, वहाँ पे ऐसा कोई सीन नहीं है भाई। जिसने शादी की हुई उससे पूछ सकते हो आप, बड़ा उल्टा सीधा सीन है, वो भी काम कर गया थके टूटे चल मैं यूदी कर रहा हूँ, तू भी यूदी कर, मैं बर्तन धो रही हूँ तू भी बर्तनों को ये काट पीट दे, तो ये मिलके काम करना होता है, अच्छी बात है क्योंकि दोनों ने मिलके एक जैसे ही काम करना होता है, एक जैसी कमाई होती है, तो दोनों खुश भी रहते हैं। हफ्ते इतवार को बाहर घूमने भी जाते हैं, ऐसा नहीं है यहाँ पे हफ्ते इतवार के 10 साल के बाद भी छुट्टी आए तो हाँ मैं थका हूँ मैं सोने लगा हूँ, छुट्टी आए हाँ चल ठीक है नानी के घर चले गए। अबे पाकिस्तान इतना बड़ा है, घूमो फिरो जाओ, आ जाके नानी तक आते, आ जाके फूफी तक आते, आ जाके चाची तक आते, बहुत कहीं घूमना ही नहीं है, अवेयरनेस इन दुनिया का पता ही नहीं क्या होता है, अपने ही लड़ाई झगड़ों में अपने ही। खैर बात कहाँ से कहाँ निकल जाती है भाई, छोड़ो इस बात को। लिखा हुआ यूदी हादा, काम ये अपना ग्रोसरी उसने किए, फिर खाना आके पकाया, फिर 8 बज गए। छोनियोल मुक्ता, कोरिया में 7 से 8 बजे के दरमियान छोनियोक खाते हैं, छोनियोक कहते हैं 6 बजे भी खाते हैं, 6 से 8 बजे के दरमियान 6 बजे उन लोगों का खाना रात का शुरू होता है, कोई 6 बजे खाते हैं, 7 बजे 8 बजे कम लोग खाते हैं, वैसे 6 से 7 बजे खाते हैं। खैर यहाँ पे 8 लिखा हुआ तो खाते ही होगी भाई अपने लिए, मगर हमने तो वहाँ पे काम किया, कोरियन लोग 6 बजे खाना खा के वेले चलो भाई, उस वक्त रात जब हफ्ता इतवार होता है फिर जब लेट डिनर करते हैं तो 8-9 बजे करते हैं। खैर उसके बाद लिखा हुआ है कॉफ़ी माश्ता, अच्छा खाना खाने के बाद कोरिया में एक और कल्चर है कि ये लोग ना कॉफ़ी बहुत ज़्यादा पीते हैं। यहाँ पर भी ये देख रहे हैं इसने कप रखा हुआ है, यहाँ पर शुक्र है इसने नहीं लिखा हुआ कॉफ़ी माशो, यहाँ पर लिखा हुआ कॉफ़ीरुल माश्ता। रिल यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब है, सीधा यहाँ पे वही है कि भाई कॉफ़ी पीना, ठीक है जी। यहाँ पे कॉफ़ी रिल जो है कॉफ़ी को कॉफ़ी कहते हैं, माशी कहते हैं पीने को, यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब लगे हुए हैं, वो ये कॉफ़ी पीता, कॉफ़ी पीने के बाद उन दो गाँधा। कोरिया में भाई एक और बात मैं आपको बता दूँ, ये लोग वर्जिश बहुत तकरीबन 90% लोग वर्जिश करते हैं। यहाँ पे शुक्र है इसने यहाँ पे उठने से पहले एक और यहाँ पे गलती की है इन लोगों ने,
यहाँ पे नाश्ता करने के बाद जब यहाँ पहुँचते हैं ना तो काम डायरेक्ट स्टार्ट नहीं करते, पहले ये उन्दों करते हैं 5 मिनट 10 मिनट बाहर ही इंदौन करवाता है मालिक या मालकिन या कोई ना कोई, चलो भाई थोड़ी सी हाथ पाँव वार्म अप हो जाओ गर्म हो जाओ, काम बड़ा डाटा करवाते हैं। खैर यहाँ पे इसकी अपनी रूटीन जो लाइफ रूटीन बता रहा है कि उन्दों हादा, मैं अभी जो है उन्दों कहते हैं वर्जिश करने को, उन्दों हादा है। फिर लिखा हुआ है टेलीविजन बोधा, टेलीविजन को टेलीविजन ही बोलते हैं, यहाँ पे हेलमेट बोधा यहाँ पे देखना है टेलीविजन बोधा कि ये टेलीविजन देख रहा है। उसके बाद छुना आता, हाँ भाई फ़ोन कर रहा है, हाँ ये वही फ़ोन कर रहा है, हाँ मैं टेलीविज़न देख रहा हूँ, तू खाना पका दिए, तू खाना पका मैं आ रहा हूँ फिर मिलके खाएंगे, ये वही छुना आधा, छुना आधा, छुना कहते हैं फ़ोन को, आधा कहते हैं फ़ोन करना। उसके बाद है छादा, सो गया भाई छाम, छा छाम कहते हैं सोने को, जब साथ दा लगता है तो मियम साइलेंट हो जाते, इसे छादा भी बोलते हैं, छाम छादा भी बोलते हैं, छल छा भी कहते हैं, मगर खाए ये छा 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 चाय को भी कहते हैं, वो अलग स्पेलिंग है वो बाद में बताऊँगा। अब तक के लिए जो है छादा, अभी आपने डेली रूटीन में जो जो आप काम करते हैं, जो खास तौर पे मेरे ख्याल में ज़्यादा लोग ये ग्रोसरी का काम करते होंगे, ये उन लोग तो कोई करता नहीं होगा, इसलिए टेलीविज़न के आगे टेलीविज़न की जगह आप मोबाइल हैंड फोन वाला भी लिख सकते हैं कि मोबाइल फ़ोन देख रहा हूँ, छूना है, ये डेली रूटीन में आपके बहुत इस्तेमाल होगा। कॉफ़ी तो आप पीते नहीं हुए, चाय पीते हो, छा लिख सकते हैं। आगे जाके मैं बताऊंगा ग्रीन टी को क्या कहते हैं, टी को क्या कहते हैं, अभी सब कुछ बताऊंगा तो सबको दिमाग में खिचड़ी पक जाएगी, खिचड़ी के साथ रायता गुलमुल हो जाएगा। खैर यहाँ पे जो है वो दोपहर का खाना हर बंदा खाता है, ड्यूटी हर बंदा जाता है, हाथ मुँह हर बंदा धोता है, सुबह सुबह तो हर बंदा उठता है, सुबह काम पर कोई जाता है कोई नहीं जाता है, ये एक अलग स्टोरी, इसको छोड़ दो। मगर ये जो जो आपके डेली रूटीन के हैं वो यहाँ पर आप अपनी डायरी में लिख लो, और लिखने के बाद कल आपने इस्तेमाल करने, जब भूल जाओ तो डायरी फौरन निकालो फिर उसको रिपीट करो कि हाँ मुझे याद हुआ है कि नहीं हुआ, तभी भाई आगे जा सकोगे। अगर आप बोलोगे नहीं मैंने रट्टा लगाना है, रट्टा लगा के मैं एग्ज़ाम पास कर लूँगा, तो समझ लो ख्वाबों में पास हो गए, वहाँ पे वो क्वेश्चन बोल के आंसर भी निकल जाएगी। तो बोलोगे अभी यार मैं तो अभी सोच ही रहा हूँ क्या बोल के निकल गई यार, इसलिए बंदे से पुत्र बनो, कॉपी पेंसिल में डेली रूटीन में अपना ये सब्जेक्ट याद करो। आज की क्लास यहीं पर बंद करता हूँ, अगर मैं बोलूँ तो मैं बोलूँ भी क्या, मैं चाहूँ तो ये पूरी किताब पढ़ा दूँ, मुझे कोई मसला नहीं है। वो मुझे बात याद आ गई, वो कल मैं एक वीडियो देख रहा था, उसमें बोल रहे हैं पता नहीं क्या, पता नहीं ये कर लूँ तो कोई असला तो नहीं, तुम्हारे पास कोई असला तो नहीं, चुमी शुमी ले लूँ कोई मसला तो नहीं, इसी तरह मैं ये पूरी किताब पढ़ा दूँ कोई मसला तो नहीं, मगर मसला ये है कि तुम्हें याद नहीं होगी, सब खिचड़ी पक जाएगी। आज आपने डेली रूटीन के ये और ये, हाँ तू क्या कर रहा, मैं ये कर रहा हूँ, तू क्या कर रहा है, भाई मैं भी यही कर रहा हूँ, ये तू तो ना वाली कोरिया में जबान नहीं है, मैं थोड़ा इसी स्टाइल में आपको फ्रेंडली होकर पढ़ा रहा हूँ। वैसे चाहूँ तो मैं भी आपसे बड़े तलफ़ से, बड़े सलीके, बड़े तरीके, बड़े वो बादशाही स्टाइल में भी बोल सकता हूँ। तशरीफ़ रखिए, आप अदा कीजिए, हम फरमा दीजिए देंगे, आपका आपका तशरीफ़ आवरी का शुक्रिया हम अदा करने के लिए मुआजज़ाना तौर पर हम आपको कल दोपहर को, दोपहर की चाय के बाद आपको बिस्किट में, मतलब इस तरह की, वो फिर पता है क्या है, वो फिर फ्रेंडली होकर नहीं पढ़ा जाता है, बोलेगा भाई क्या बोल रहा है यार, पढ़ा रहा है कि क्या दिमाग की दही बना रहा है। इसलिए मेरे भाई रिस्पेक्ट अपनी जगह है, रिस्पेक्ट जरूर करनी है, मैं आपको फ्रेंडली होकर पढ़ा रहा हूँ इसलिए इस तरीके से बात कर रहा हूँ, रफ़ हो गए, बिल्कुल रफ़ हो गए, इसी तरह जैसे कि आप मेरे सामने बैठे हो। तो ये वो किताब है, आज का ये सब्जेक्ट है, ये सारा मैंने याद करा दिया, नहीं किया तो अभी रिपीट करो, कल मुझे सुना देना, कमेंट्स में ला के बता देना है कौन क्या करता है, काम करता है, फ़ोन करता है, टेलीफोन करता है, उन्दों करता है, इलहदा करता है, सोता है, कॉफ़ी माशदा करता है, या अच में इधर ना करता है, शीशोदा करता है, आत्मू धोता है, यहाँ पे शावर लिखना चाहिए था, आत्मू धो के ज़्यादा बेखैर कोरियन जाते होंगे, मगर मैंने अल्लाह बेहतर जानता है। खैर आज तक के लिए इतना ही काफ़ी, अपना अपने दोस्तों का ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।